चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। योजनाएं केंद्र की तो फंड भी दे, राज्य के पैसों पर ना लूटे वाहवाही, नीतीश कुमार का मोदी सरकार पर निशाना। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही मिल सकता है खुशखबरी, महंगाई भत्ते में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी, 1 मार्च को हो सकता है ऐलान। यूपी विधानसभा में सपा विधायकों का जोरदार हंगामा, लगे राज्यपाल वापस जाओ के नारे, अखिलेश यादव बोले झूठी है सरकार। दिल्ली में खोले जाएंगे स्पेशलाइज्ड स्कूल, अरविंद केजरीवाल बोले बच्चों को आती है मुझसे ज्यादा अंग्रेजी। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट हरियाणा में, फतेहाबाद के गोरखपुर में बनेगा प्लांट, केंद्र सरकार की घोषणा। एमपी कैबिनेट का फैसला, नई शराब नीति का ऐलान, अब शराब की दुकानों और अहातों में बैठकर पीने की इजाजत नहीं। अगर हमने टैंकों का जवाब दिया तो अंजाम भयानक होगा, रूस की पश्चिमी देशों को चेतावनी। संजय राउत का दावा, शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए की हुई डील। शिवराज सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, लाडली बहन को मिलेंगे 1000 रुपए प्रति माह। 2024 में राम मंदिर और न्यू इंडिया का दम, सीएम योगी का दावा किसी अन्य मुद्दे की जरूरत नहीं। दिल्ली में है 46 रेलवे स्टेशन, 13 का होगा कायाकल्प, अगले कुछ सालों में स्टेशनों की बदल जाएगी तस्वीर। नागालैंड, वोटर्स की संख्या में ज्यादा लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी शून्य, मैदान में सिर्फ 4 महिला कैंडिडेट। अमित शाह का बड़ा ऐलान, अगले 5 साल में 2 लाख पैक सेंटर बनाएंगे, सरकार के इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति, किसानों की बढ़ जाएगी इनकम। सेहत को लेकर सख्त हुई सरकार, जल्द ही आएगा नियम, पैकेज्ड फूड पर छपेगी खास जानकारी। दक्षिण भी अब मंदिर पथ पर, केसीआर ने सबसे बड़े हनुमान मंदिर के लिए 600 करोड़ जारी किए, आंध्र प्रदेश सरकार 1400 मंदिर बनवा रही। राम मंदिर को उड़ा देंगे, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर को उड़ाने की मिली फोन पर धमकी, यूपी पुलिस अलर्ट। मेघालय सरकार ने पीएम मोदी की रैली को इजाजत देने से किया इनकार, बीजेपी बोली कोई नहीं रोक सकता। जो करेगा वो भोगेगा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही पंजाब सरकार। उज्ज्वला के बाद घर घर सौर चूल्हा पहुंचाने की तैयारी, 3 बड़ी परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। 15 से 35 हजार महीना कमाने वाले परेशान, सबसे ज्यादा झेल रहे महंगाई की मार। कांग्रेस का गैर जिम्मेदाराना रवैया सूबे की अर्थव्यवस्था को कर देगा बर्बाद, चुनावी वायदों पर बोले सीएम बोमई। अल्पसंख्यकों को लुभाने में जुटी बीजेपी, मिथुन बोले भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं, टीएमसी ने कसा तंज। मध्य प्रदेश में अब हर महीने तय हो सकते हैं बिजली के दाम, कंपनियों ने आयोग से मांगी मंजूरी। जेपी नड्डा के उड़ीसा दौरे के बाद पटनायक सरकार के खिलाफ भाजपा सख्त, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। उत्तराखंड रोजगार मेला में पीएम मोदी बोले हमने पुरानी धारणा को बदला, अब प्रदेश में ही मिल रहा रोजगार। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में अब बचे सिर्फ $3 अरब, 1 हफ्ते में बनेगा श्रीलंका, काउंटडाउन शुरू। केसी वेणुगोपाल ने 2024 में विपक्षी एकता की जरूरत पर दिया जोर, कहा कांग्रेस अकेले भाजपा सरकार से नहीं लड़ सकती। उबर में चलेगी टाटा की 25,000 इलेक्ट्रिक कार, ईवी बाजार में अब तक की सबसे बड़ी डील। सिक्किम राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए लगाए जाएंगे 100 पेड़, सीएम ने की घोषणा। सरकार का पूरा फोकस महंगाई पर, काबू पाने के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम, निर्मला सीतारमन। राष्ट्रीय लोक जनता दल नई पार्टी बनाने का उपेंद्र कुशवाहा ने किया ऐलान, एमएलसी पद से देंगे इस्तीफा। हिमाचल बीजेपी से प्रदेश कार्य समिति के 4 सदस्य 6 साल के लिए सस्पेंड, अनुशासनहीनता का है आरोप। आने वाली है तबाही, 2050 तक यूपी बिहार पंजाब समेत 9 राज्य होंगे जमीन दोज। आत्मनिर्भरता में बाधक रेवड़ी संस्कृति, देश को मुफ्त खोरी नहीं बल्कि लोगों को सक्षम बनाने वाली योजनाओं की जरूरत। गुजरात सरकार बोली पेपर लीक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लाएंगे सख्त कानून, बजट सत्र में पेश करेंगे प्रस्ताव। नाम निशान जाने के बाद उद्योग कैंप का बड़ा कदम, डिलीट किया ट्विटर हैंडल और वेबसाइट। ट्विटर के बाद अब फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी खरीदे ब्लू टिक, कई देशों में शुरू होगी सर्विस। वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग की पहल, सिनेमाघरों में मैं भारत हूँ इस सॉन्ग को फिल्म से पहले चलाया जाएगा। अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ सकेगी बाइक टैक्सी, केजरीवाल सरकार ने जुर्माना बता दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड को लेकर बीजेपी पर बरसे जयराम रमेश, कहा छापों से नहीं डरेगी कांग्रेस।
फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री मोदी। बायरन और सुनक टॉप 5 से बाहर। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तय करना संसद का काम, हम अकेले संविधान के संरक्षक नहीं। मिशन 2024 आदि आबादी तक पैड बनाने के लिए बीजेपी की खास तैयारी, शुरू करेगी महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं। बीते 5 सालों में 1.93 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण आयात किए गए, सरकार ने दी जानकारी। चार धाम यात्रा से पहले जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर फिर दिखी दरारें, 10 जगह सड़क धसी, 10 किलोमीटर के दायरे में कई जगह रोड टूटी। ओल्ड पेंशन स्कीम पर गहलोत को झटका, वित्त मंत्री निर्मला बोली एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं मिलेगा, कर्ज लेकर फ्री स्कीम ना चलाए स्टेट। अपने कुछ मशहूर करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए LIC के पैसों का इस्तेमाल कर रही भाजपा, ममता बनर्जी। अमित शाह का कांग्रेस पर तंज, बोले 2024 में दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल कैबिनेट का अहम फैसला, बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने को दी गई मंजूरी। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी, सीएम चौहान की सांसदों के साथ 1-to-1 चर्चा, आदिवासी बाहुल्य सीटों पर फोकस करने की हिदायत। वैश्विक ब्रांड हुआ UPI, अब सिंगापुर में हो सकता है भुगतान, US समेत कई देशों में काम कर सकती है UPI प्रणाली। सीएम भगवंत मान ने 225 MLD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया उद्घाटन, 650 करोड़ रुपए का है प्रोजेक्ट। 2024 की तैयारी में जुटी सपा, मायावती के वोटों को अपनी तरफ करने के लिए चल रही नया दांव। मुस्लिमों को जोड़ने के लिए बीजेपी चलाएगी अभियान, यूपी के 20 शहरों में करेगी सूफी सम्मेलन। पश्चिम बंगाल अलग राज्य की मांग के खिलाफ TMC का प्रस्ताव पास, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कोरोना काल में लोगों पर दर्ज मामले हिमाचल में होंगे रद्द, सुक्खू सरकार ने लिया यह फैसला। केंद्रीय मंत्री बोले 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़कें, गरीबों को पहुंचेगा फायदा। ED का छापा बदले और निम्न स्तर की राजनीति, अमृतकाल नहीं देश में अघोषित आपातकाल, कांग्रेस। राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत, कहा कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर न करे। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पर वित्त मंत्री बोली बदले की राजनीति नहीं, सबूत मिलने पर ही होती है कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो मतदाताओं तक पहुंचने के लिए भाजपा ने तेलंगाना में नुक्कड़ सभाएं की शुरू, 25 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। जी हाँ, तेलंगाना में भाजपा ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता तक पहुंचने के लिए राज्य भर में प्रजा गोसा भाजपा भरोसा नाम से नुक्कड़ सभाएं शुरू की है। बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम प्रजा गोसा BJP भरोसा, यानी लोगों की पीड़ा BJP का आश्वासन का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करना और BRS सरकार की कथित विफलताओं को बेनकाब करना है। भगवा पार्टी ने 15 दिनों में 11,000 नुक्कड़ सभाएं आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करते हुए अभियान राज्य स्तर पर BRS सरकार की विफलताओं और उनके परिवार शासन की दृष्टि खोए बिना सत्ताधारी पार्टी के विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार सहित जमीनी स्तर के मुद्दों को उजागर करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो MP कैबिनेट का फैसला, नई शराब नीति का ऐलान, अब शराब की दुकानों और आहातों में बैठकर पीने की इजाजत नहीं। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद नई शराब नीति का ऐलान कर दिया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में शराब के सभी आहातों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब शराब की दुकानों के अंदर भी शराब पीने पर मनाही होगी। अब धार्मिक संस्थानों और सभी शैक्षणिक संस्थानों से शराब दुकानों की दूरी 50 मीटर से अब 100 मीटर कर दी गई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने यह फैसला तब किया जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। वहीं मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों के अंदर शराब के सेवन की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के प्रावधान कड़े किए जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही मिल सकती है खुशखबरी, महंगाई भत्ते में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी, 1 मार्च को हो सकता है ऐलान। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार DA में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है। सरकार 4% DA बढ़ा सकती है, अगर ऐसा होता है तो उनका महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, अगले 30 दिन में बंद हो जाएगा 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर, राय ने दिया आदेश। जी हां, यूजर्स के पास आए दिन प्रमोशनल कॉल्स और SMS आते रहते हैं। प्रमोशन के चक्कर में टेलीकॉम कंपनियां ना दिन देखती है और ना ही रात यूजर्स के पास कॉल या मैसेज भेजती है। साफ तौर पर इससे यूजर्स को काफी परेशानी होती है। हालांकि अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस परेशानी से निजात देने की तैयारी की है। ट्राय ने 10 डिजिट के चुनिंदा मोबाइल नंबर को बंद करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को एक स्पेशल नंबर दिया जाता है जो नॉर्मल नंबर से अलग होता है। जब ऐसे नंबर से कॉल या मैसेज आते हैं तो यूजर्स को आसानी से पता चल जाता है कि ये प्रमोशनल नंबर है। हालांकि कुछ कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर प्रमोशनल कॉल या मैसेज के लिए 3 डिजिट के नॉर्मल मोबाइल नंबर इस्तेमाल करती हैं। ट्राय ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत टेली मार्केटिंग कंपनियों को 10 अंकों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल बंद करना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।